तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम डायलेशन। कि टाइम डायलेशन क्या है? अ क्लॉक इन अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश मेजर अ लॉन्गर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स दैट अकर्स इन अ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन अ सेम टाइम इंटरवल मेजर बाय अ क्लॉक इन स्टेशनरी फ्रेम डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो डेफिनेशन से ऐसे सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पे एक फिगर भी है, तो फिगर में आप क्या देख रहे हो? एक क्लॉक जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक क्लॉक रेस्ट में है। तो जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है क्लॉक, वो यहाँ पे स्लो चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? या ये कह लीजिए ये क्लॉक हमें फास्ट दिख रही है, या ये अपने यूजुअल रेट से, जिस रेट से हमारी क्लॉक मूव करती है, उस रेट से ये मूव कर रही है जो रेस्ट में है। तो दोनों जो क्लॉक हैं, दोनों जो इवेंट के बीच में टाइम इंटरवल नोट करेंगी, अगर कोई इवेंट हो रहा है तो दोनों क्लॉक डिफरेंट टाइम इंटरवल नोट करेंगी, और जो रेस्ट में है वो उसका एक्चुअल या प्रॉपर टाइम इंटरवल नोट करेगी। जो मूविंग फ्रेम में क्लॉक है उस इवेंट के रिस्पेक्ट में, वो लॉन्गर टाइम इंटरवल ऑब्जर्व करेगी। लॉन्गर टाइम इंटरवल मतलब क्लॉक स्लो हो गई है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे? देखो, अभी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को वी के वेलोसिटी के कंपैरेबल या उसके इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लास की फॉर्म में समझा रही हूँ, वेलोसिटी से नहीं समझा रही हूँ, ठीक है? ऐसे समझो कि हमारी ये क्लास चल रही है, 1 आवर की क्लास है। 1 आवर अगर मैं ऐसे बात करूं स्टेशनरी फ्रेम में, तो सबके लिए इंटरवल सेम है, ठीक है? लेकिन अगर क्लास इंटरेस्टिंग चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है और सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो 1 घंटा हमारा कहाँ बीतेगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमें ऐसा लगेगा टाइम बहुत जल्दी बीत गया। 1 घंटे का जो इंटरवल है वो हमें कम लगेगा और ऐसा लगेगा घड़ी बहुत तेजी से स्पीड बढ़ गई उसकी। वहीं पे अगर लेक्चर बहुत बोर चल रहा है, बहुत ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और लग रहा है बस ये खत्म हो, और बार बार आप अपनी घड़ी को देख रहे हैं कि कब 1 घंटा पूरा हो, और आपको ऐसे लगने लगे कि घड़ी स्लो हो गई है और इंटरवेल, घड़ी स्लो हो गई है, टाइम नहीं बीत रहा है, इंटरवेल इंक्रीज हो गया है, तो क्या लगेगा? इंटरवेल, टाइम इंटरवेल इंक्रीज हो गया है, घड़ी स्लो हो गई है। जबकि 1 आवर 1 आवर ही है, लेकिन ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग 1 आवर चेंज हो रहा है, ठीक है? एक को टाइम कम दिखाई दे रहा है, लग रहा है घड़ी तेज हो गई, और एक को ऐसा लग रहा है घड़ी स्लो हो गई और इंटरवेल बढ़ गया। मैम, एग्जाम्पल में एग्जाम हम लोग देते हैं उसमें हाँ बताइए, जैसे एग्जाम्स में भी होता है, ठीक है? या एग्जाम करते हैं तो अगर आता है तो सब कुछ, फिर वो 3 घंटे भी कम लगते हैं, और कुछ नहीं आता तो 3 घंटे काटने भी भारी हो जाते हैं, है ना? यस मैम, एग्जाम में या जब हम किसी का वेट करते हैं, लेकिन घड़ी वही है। तो ये तो हमने ऐसे जनरलाइज समझाने के लिए किया। अभी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा टाइम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड है। टाइम से मतलब टाइम इंटरवल, किसी इवेंट का टाइम इंटरवल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और दो ऑब्जर्वर अगर अलग अलग फ्रेम में हैं तो दोनों के लिए जो टाइम इंटरवल है उस इवेंट का वो अलग अलग है। तो वो अभी अभी डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे। तो फिलहाल पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेती, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम डायलेशन? डायलेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, डायलेट होना। जैसे हम केमिकल्स को डायल्यूट कर देते हैं तो क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे भी डायलेशन का वर्ड वही है, इंक्रीज हो रहा है, लेंथन हो रहा है, टाइम इंटरवल लेंथन हो रहा है, ठीक है? तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टाइम डायलेशन? एस्टैब्लिश अ रिलेशन फॉर प्रॉपर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ द टाइम डायलेशन हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम डायलेशन? एस्टैब्लिश अ रिलेशन फॉर प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम, ये लिख सकते हैं एस्टैब्लिश अ रिलेशन फॉर टाइम डायलेशन, या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम डायलेशन, वो कुछ भी लैंग्वेज आ सकती है। हाउ द टाइम डायलेशन हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, तो ये जो इफेक्ट है क्या ये रियल इफेक्ट है, या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ये कैसे कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो? टाइम डायलेशन की मैं दो डेफिनेशन लिखवाऊंगी, एक डेफिनेशन हमारी सामने ही लिखी हुई है, दूसरी डेफिनेशन जब हम एक्सप्रेशन ड्राइव कर देंगे उसके सेंस में। यहाँ पर हमने जो टाइम डायलेशन की डेफिनेशन लिखी है वो लॉन्गर टाइम इंटरवल के सेंस में लिखी है, कि इंटरवल ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाता है,
दूसरी डेफिनेशन हम क्लॉक इंटरवल कब इंक्रीज होगा, जब घड़ी स्लो चलेगी, तो दूसरा हम जो डेफिनेशन है वो घड़ी स्लो की फॉर्म में लिख देंगे। तो दोनों में से कोई सी भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो फिर, ठीक है, और दोनों डेफिनेशन तब समझ में भी आ जाएंगी। तो लिखना स्टार्ट करते हैं टाइम डायलेशन की डेफिनेशन। अ क्लॉक इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश मेजर अ लॉन्गर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स दैट अकर्स इन अ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द सेम टाइम इंटरवल मेजर बाय द क्लॉक इन स्टेशनरी फ्रेम। अभी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद जब अभी फ्रेम लेंगे हम दोनों, ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे, तो ये समझ में आएगा कि क्या डेफिनेशन कह रहे हैं। अ क्लॉक इन अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश मेजर्स अ लॉन्गर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स दैट अकर्स इन द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द सेम टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक इन स्टेशनरी फ्रेम एस डेल्टा। दिस फिनोमेना इज नोन एज टाइम डायलेशन। Delta t equal to delta t naught upon under root 1 minus v square by c square. जहां पे delta t naught क्या है, proper time है, और delta t non-proper time. Done ma'am. Okay, चलिए फिर मैं slide change कर दूँ। यहाँ पे proper time. हाँ, where t naught is delta t, यहाँ पे proper time. Delta t naught. ये वाला. डेल्टा टी नॉट इज अ प्रॉपर टाइम। हमेशा देखिए जब नॉट लगाऊंगी वो मैं प्रॉपर टाइम के लिए लूंगी, अननोट वाला नोटेशन नॉन प्रॉपर के लिए, या डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसे, है ना। डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा टी नॉट इज अ प्रॉपर टाइम एंड डेल्टा टी इज नॉन प्रॉपर टाइम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले डायलेशन वर्ड का ही लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करना करते हैं। द वर्ड डायलेशन मीन्स to lengthen an interval of time ठीक है, सेम वही है, क्या करेंगे, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे, कंसीडर टू इनर्शियल लिख लेते हैं, टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एन एस डैश। क्या करते हैं, एस को रेस्ट में लिखते हैं, एस इज एट रेस्ट। देखिए ये यूनिट में बहुत ज्यादा लैंग्वेज लर्न करने के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट सब जगह लैंग्वेज सेम ही चल रही है इसमें। एस इज एट रेस्ट एंड एस डैश इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी and s dash is moving with constant velocity v is approximately equal to c in positive x direction with respect to s।
मैंने आपको कहा भी था सारे डेरिवेशंस में क्या करेंगे, जो चीज हमें मेजर करनी है, जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे. जैसे हमें लेंथ कंट्रैक्शन निकालना था तो लेंथ रॉड कंसीडर कर ली, उसकी लेंथ ले ली. अब टाइम डायलेशन है, टाइम चाहिए तो हमने क्लॉक कंसीडर कर लेनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्लॉक ले लेंगे. मास वेरिएशन होगा तब हम ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसमें मास होता हो. तो क्या करेंगे, सपोज अ क्लॉक इज सिचुएटेड, और प्लेस भी लिख सकते हैं, इज सिचुएटेड इन फ्रेम एस एट पोजिशन एक्स. यहां पर मैं जो क्लॉक है वो फ्रेम एस में कंसीडर कर रही हूं, तो एक फ्रेम एस है, एक फ्रेम एस डैश है, एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, हमें घड़ी चाहिए तो हमने घड़ी ले ली, ठीक है, जो फ्रेम एस के अंदर फिक्स पोजीशन पे है एक्स डिस्टेंस पे, हमने ये कंसीडर किया है. दो ऑब्जर्वर हैं, एक ओ एंड ओ डैश. तो प्रॉपर और नॉन प्रॉपर की डेफिनेशन सेम उसी तरीके से है जैसे हमने लेंथ कॉन्ट्रेक्शन की समझी थी, कि जिस फ्रेम में क्लॉक रखी है, या कह लीजिए इवेंट हो रहा है, जिस फ्रेम में इवेंट हो रहा है जिसमें हम टाइम इंटरवल नोट कर रहे हैं, अगर ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में है तो वो जो भी टाइम नोट करेगा वो प्रॉपर टाइम होगा, ठीक है. अगर ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम में है और इवेंट कहीं और हो रहा है तो जो भी टाइम नोट करेगा वो नॉन प्रॉपर टाइम होगा. हमारा यहाँ पर अभी हमने क्लॉक को रेस्ट में रखा है, अगर मैं क्लॉक को फ्रेम एस डैश में रख लेती तो क्या होता, तब ऑब्जर्वर ओ डैश जो भी नोट करता वो एक्चुअल करता, प्रॉपर करता, और ओ जो है नॉन प्रॉपर करता. लेकिन अभी हमने जो केस लिया है जहां पे हमने कंसीडर किया है, वहां पर मैंने क्लॉक को फ्रेम एस में रखा है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर ओ है वो जो भी इवेंट ऑब्जर्व करेगा या जो भी टाइम इंटरवल ऑब्जर्व करेगा वो प्रॉपर करेगा, और जो हमारा ओ डैश ऑब्जर्वर है वो नॉन प्रॉपर नोट करेगा टाइम इंटरवल. अब टाइम इंटरवल से क्या मतलब है कि सपोज हमारा जो लेक्चर है वो 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, सपोज क्या हो ही रहा है, 2 बजे स्टार्ट हुआ, जैसे ही 2 बजे स्टार्ट हुआ इस क्लॉक ने एक सिग्नल पास किया, तो ऑब्जर्वर ओ ने भी उसको नोट किया और ऑब्जर्वर ओ डैश ने भी नोट किया. तो ऑब्जर्वर ओ डैश के अकॉर्डिंग उसने जो टाइम नोट किया वो टी वन डैश नोट किया, जो ऑब्जर्वर ओ है उसके अकॉर्डिंग टी वन टाइम नोट किया. फिर जब हमारा ये लेक्चर खत्म होगा 3 बजे, तो इस घड़ी ने फिर दोबारा एक सिग्नल पास किया, इवेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं अभी फिलहाल लेक्चर ले रही हूँ, कोई भी हम इवेंट ले सकते हैं. तो जैसे 3 बजे फिर क्लॉक में एक सिग्नल पास किया कि जैसे जब बैल रिंग होती है, जो ऐसे क्लॉक्स भी आती है ना जिसमें नीचे घंटा लगा होता है वो टन टन करके बजता भी है, तो उसने फिर सिग्नल पास किया, तो जो ऑब्जर्वर ओ डैश है उसने टी टू टाइम नोट किया, जो ऑब्जर्वर वो है उसने टी टू टाइम नोट किया. इन दोनों के बीच का डिफरेंस टाइम इंटरवल कहलाएगा, ठीक है. जो ऑब्जर्वर ओ है उसके लिए वो प्रॉपर टाइम होगा, एक्चुअल टाइम है, जो ऑब्जर्वर ओ डैश है उसके लिए हमने डेल्टा टी से डिनोट किया है जो कि नॉन प्रॉपर टाइम है, ठीक है. यहां से प्रॉपर और नॉन प्रॉपर की हम डेफिनेशन समझ सकते हैं कि जिस फ्रेम में इवेंट हो रहा है अगर ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में है या कह लीजिए उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो वो जो टाइम इंटरवल नोट करेगा वो प्रॉपर टाइम इंटरवल नोट करेगा, और ऑब्जर्वर और इवेंट अलग अलग फ्रेम में है या कह लीजिए इवेंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वो जो टाइम इंटरवल होगा वो नॉन प्रॉपर होगा. तो यहां से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले प्रॉपर टाइम इंटरवल की.
ये फिगर बना लीजिएगा साथ में, प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल बिटवीन the time interval between the time interval between two events which occur at the same position measured by observer in the same inertial frame in the same inertial frame in which event occur is called proper time. अभी हमने क्योंकि क्लॉक जो है फ्रेम एस में ली है तो अभी हमारा एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर टाइम हुआ टी नॉट, दैट इज अभी इस केस में क्या है टी टू माइनस टी वन इक्वल टू डेल्टा टी नॉट। एक डेफिनेशन और है प्रॉपर टाइम की, ठीक है, इजी सी है इसलिए लिखवा रही हूँ, बाकी ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंट की फॉर्म में है। जो नीचे वाली है वो क्लॉक की फॉर्म में है कि क्लॉक जिसमें रेस्ट में होगी उससे जो टाइम इंटरवल हम मेजर करेंगे वो प्रॉपर टाइम होगा, ठीक है। द प्रॉपर टाइम और एक्चुअल टाइम, इज द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय the clock in which it is at rest तो ये दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम नॉन प्रॉपर सेकंड वाली समझा दीजिए। सेकंड वाली में क्या कह रहे हैं, अभी हम क्या कह रहे हैं, सेकंड वाली में यही तो लिखा है जो सेम लिखा है, जिस फ्रेम में क्लॉक रेस्ट में होगी, ठीक है, वो जो टाइम नोट करेगी वो प्रॉपर करेगी। जैसे इस फ्रेम में ये क्लॉक रेस्ट में है ना, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, क्योंकि ये फ्रेम मूव कर रहा है तो इसे क्या लगेगा, ये घड़ी मूव कर रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये मूव कर रही है फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में, तो ये जब इसको देखेगा तो इसमें जो टाइम नोट करेगा वो नॉन प्रॉपर करेगा। लेकिन जो फ्रेम जिसमें रेस्ट में रखी है अगर यहाँ पे हम टाइम नोट करेंगे इसमें तो वो प्रॉपर टाइम होगा। सेम वही डेफिनेशन है, बस हमने यहाँ से इवेंट और ऑब्जर्वर हटा दिया, है ना। मैंने सोचा रेस्ट मतलब उसकी टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है, क्लॉक चल नहीं रही है। नहीं, क्लॉक नहीं चल रही है, पोजीशन से मतलब है। हाँ ओके मैम।
क्लॉक टाइम इंटरवल कैसे हो जाएगा अगर क्लॉक रेस्ट में हो गई तो, है ना, अगर क्लॉक मूव नहीं कर रही है, यही कर रही है। हाँ, नहीं, क्लॉक रेस्ट से मतलब है वो मूव नहीं कर रही है, वहां पे उसकी पोजीशन फिक्स है। जैसे हमने यहाँ पे कर भी रखा है फ्रेम एस के अंदर, ये एक्स पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन एस डैश के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जब हम T1 टाइम नोट करेंगे पहले सिग्नल पे, तो ये पोजीशन सपोज X1 होगी, X1 डैश, एक घंटे बाद ये यहाँ तो नहीं रहेगा, ये फ्रेम और आगे निकल जाएगा, तब पोजीशन जो है हो जाएगी इसकी चेंज हो जाएगी, तब हो जाएगी X2 डैश, है ना। तो फ्रेम S डैश के रिस्पेक्ट में इस क्लॉक की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बट फ्रेम S के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो कॉन्स्टेंट है, रेस्ट में है, फिक्स है। अगर ये डेफिनेशन लिख लिए तो मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ नॉन प्रॉपर की डेफिनेशन लिख के, फिर हम ये स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलिए तो फिर नॉन प्रॉपर की डेफिनेशन और लिखते हैं। नॉन प्रॉपर टाइम इंटरवल, देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, दो इवेंट के बीच के टाइम डिफरेंस, ये नहीं बोल रहे हैं 1 o'clock या 2 o'clock, ठीक है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो नॉन प्रॉपर की डेफिनेशन लिखते हैं, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेम इवेंट सेम इवेंट से मतलब क्या है, जो हमने पहले केस लिया है वही इवेंट की बात करें, कोई और इवेंट की बात नहीं है। इवेंट मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर, मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम which is moving, observer किस में है, moving frame में, which is moving with respect to event, which is moving with respect to event, is called नॉन प्रॉपर टाइम इंटरवल। दैट इज डेल्टा टी, और डेल्टा टी इक्वल यहां पे लिख लेती हूँ, T2 - T1 इक्वल टू डेल्टा टी, है ना। अभी जो हमने केस लिया है वहां पर हमने क्लॉक को फ्रेम एस में रखा है, तो S फ्रेम में प्रॉपर टाइम होगा और S डैश फ्रेम में नॉन प्रॉपर टाइम होगा। इक्वेशन 2, सेम गैलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन, सॉरी, वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो पहले T1 डैश लिखेंगे, T1 डैश हो जाएगा T1 टाइम माइनस पोजिशन फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट ही है एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। T2 डैश कितना हो जाएगा, T2 माइनस, पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में, वहां पे कांस्टेंट है, वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4,
सेम वही है, इक्वेशन वन और टू की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, या कह लीजिए फ्रॉम फोर में से थ्री सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा टी टू डैश माइनस टी वन डैश इक्वल टू टी टू माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस टी वन वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, टी टू माइनस टी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इधर होगा टी टू डैश माइनस टी वन डैश फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। हम जो है इनकी वैल्यूज रख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन का मतलब है डेल्टा टी, टी टू माइनस टी वन का मतलब है डेल्टा टी नॉट अपॉन। अच्छा ये बताइए यहाँ पे हम कह रहे हैं टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया, तो कैसे पता लगा टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया, हेलो मैम। हाँ बोलिए मैं सुन रही हूँ। ये भी और सी को एक मतलब वो तीन कंडीशन रखेंगे कि भी लेस लेस देन सी। हाँ 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 बिल्कुल सही है, उससे भी पता लग जाएगा। ठीक है वैसे ये पता है कि हमारा अगर वी, क्योंकि अभी हम कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट चल रहे हैं, तो ये वाली जो टर्म है अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो वैल्यू है ये लेस देन वन होगी, और जब किसी क्वांटिटी को लेस देन वन क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो उस क्वांटिटी को और इंक्रीज कर देता है ना। जैसे अगर मैं 10 को 0.1 से डिवाइड करूंगी तो ये इसको हटा के यहाँ एक जीरो और कर दूंगी तो 10 को 100 बना रहा है ना। तो अगर 1 से लेस देन क्वांटिटी को मैं किसी क्वांटिटी से डिवाइड करती हूँ, किसी क्वांटिटी को लेस देन 1 क्वांटिटी से डिवाइड करती हूँ तो उस क्वांटिटी को और इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी नॉट। तो यहाँ तक लिखने के बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। एक टर्म समझा दीजिए मैम, x x यहाँ पे क्या है? x पोजीशन है फ्रेम s में, क्लॉक जहाँ रखी है उसकी। तो मैम जहाँ क्लॉक रखी है उसकी तो पोजीशन s के टर्म्स में हमारे पास, और s डैश तो मूव कर रहा है, तो इसीलिए हमने दोनों जगह x रखा है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे डैश नहीं लिखा है। एक मिनट पहले कौन बोल रहे हैं, मैं नाम लिखे, एक मिनट रुके मैं बात, कृष्णा ठीक है रुको, कृष्णा भी बताती हूँ। कृष्णा ध्यान से सुनिए, अभी ये वैसे मैं क्वेश्चन पूछती आपसे पूरा लेक्चर होने के बाद, कि जब मैंने कल लेंथ कॉन्ट्रेक्शन कराया था तो मैंने क्या किया था, रखा था तो हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज की थी, और मैंने आपको घर के लिए बोला था कि इसको एस फ्रेम में रख के सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि कैसे करेंगे। तो अगर हम उसको एस फ्रेम में रखते तो हमें इनवर्स लॉरेंज यूज करना पड़ता है ना, किया था ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लॉक को फ्रेम एस के अंदर रखा तो मैंने लॉरेंज यूज कर लिया। कल मैं क्या कर रही थी, कल मैंने रॉड को फ्रेम एस डैश में रखा था तो मैंने लॉरेंज यूज किया था। क्लॉक के लिए मैंने इसको एस फ्रेम में रखा तब मैंने लॉरेंज यूज किया। उसका जो रीजन है, उसका रीजन ये है कि जिस फ्रेम में क्लॉक रेस्ट में होगी अकॉर्डिंग टू दिस हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इनवर्स यूज कर लेती जैसा मैंने लेंथ में किया, अगर मैं क्लॉक को फ्रेम एस में रखूं और जैसे लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में मैं इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती, तो देखिए यहाँ मैं इनवर्स लिख रही हूँ फिर आप मुझे बताइएगा। इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है टी इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक है, अब जब हम पहली बार टाइम नोट करेंगे, मतलब टी वन टाइम नोट करेंगे दोनों के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टी वन कर रहे हैं, यहाँ पे टी वन डैश करेंगे, उस टाइम जो x पोजीशन है, x डैश पोजीशन है, वो x1 पोजीशन होगी। ठीक है, जब मैं t2 टाइम नोट करूंगी
तो दूसरी क्लॉक से करूंगी टी टू डैश प्लस, तो ये जो फ्रेम एस डैश है यहीं तो नहीं रहेगा, ये तो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में जो पोजिशन हो जाएगी वो हो जाएगी वी एक्स टू डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब अगर मैं टी टू माइनस टी वन करूं तो ये वाली जो टर्म है, समझ रहे हो, एक्स वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट नहीं होगी, और जो हमारा टाइम इंटरवेल आएगा वो इन टर्म्स ऑफ टाइम और पोजिशन दोनों आ जाएगा। अभी हमें फिलहाल पोजिशन के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं, हम सिर्फ जो रिलेशन चाहते हैं वो टाइम टाइम के बीच में रिलेशन चाहते हैं, है ना। तो अगर टाइम टाइम के बीच में रिलेशन चाहिए तो ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट होनी चाहिए। ये कैंसिल कब होगी, जिसके रिस्पेक्ट में क्लॉक रेस्ट में होगी। अभी हमारी जो क्लॉक रेस्ट में है वो फ्रेम एस के अंदर है, सिर्फ एक्स कॉन्स्टेंट है, तो यानी कि एक्स कॉन्स्टेंट है वो किस में है, वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कर सकते हैं हम। अगर मैं ये क्लॉक इस फ्रेम में ले लेती एस डैश फ्रेम में, तो उस केस में हमारा एक्स डैश कॉन्स्टेंट हो जाता और एक्स जो है कंटिन्यूसली वेरी करता। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस समझो, क्या कह रही हूँ, अगर मैं क्लॉक को फ्रेम एस डैश में ले लूं, ठीक है, मैंने क्लॉक को फ्रेम, ये जो एक्स की वैल्यू है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है क्योंकि फ्रेम एस डैश मूव हो रहा है, तो इसके साथ साथ ये क्लॉक भी मूव हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैं टी वन टाइम नोट करूंगी 2 बजे, तो ये पोजिशन उस केस में एक्स वन होगी। जब मैं 3 बजे टाइम नोट करूंगी तब ये पोजिशन एक्स टू हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ पे रेस्ट में नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूअसली आगे मूव हो चुका होगा, तब मुझे इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। तो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन और टाइम डायलेशन में यही डिफरेंस है कि लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में जब हम फ्रेम एस डैश के अंदर रॉड रखते हैं तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करते हैं, जबकि क्लॉक के केस में, टाइम के केस में, जब हम फ्रेम एस के अंदर क्लॉक रखते हैं तब हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम ये कर रहे थे, तो ये एक्सप्रेशन अगर आपने लिख लिया होगा वो समझाने के लिए था। कृष्णा, समझ में आया कुछ जो बोला मैंने? मैम वो तो समझ में आ गया, बट एक चीज समझ में नहीं आई मैम, जब हमने टी वन निकाला तो हमने एक्स, टी वन डैश निकाला तो हमने एक्स का यूज किया, वी एक्स लिखा, एंड देन जब हमने टी टू डैश निकाला तब उसमें भी वी एक्स लिखा। मैम टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो एक्स की वैल्यू भी तो चेंज होगी। एक्स तो हमारा, वही तो अभी समझाया मैंने कि एक्स तो हमारा किस फ्रेम में है, एक्स फ्रेम में, वहां पे तो क्लॉक, हाँ वहां पे तो पोजीशन उसकी फिक्स है ना। एक्स डैश चेंज हो रहा है बेटा, डैश चेंज हो रहा है, एक्स चेंज नहीं हो रहा है। आ गया, यस मैम, समझ में आ गया। यस मैम, टी1 टी2 के टर्म्स, यस, हां टी1 टी2 फिक्स है क्योंकि उस फ्रेम में, और उस रिस्पेक्ट में एक्स और कांस्टेंट है, This is required expression. This is required expression. And from this, delta T is greater than delta T naught. क्योंकि हम तो ये लेके ही चल रहे हैं कि velocity comparable है velocity of light की। यहां से एक definition और आ गई, a clock, या तो टाइम इंटरवेल की टर्म्स में लिख सकते हैं कि टाइम इंटरवेल इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा है, लेंथ है एस फ्रेम की क्लॉक का। अ क्लॉक मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ क्लॉक मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी relative to an observer
relative to an observer appears to him to go slow by the factor under root 1 minus v square upon c square, then when at rest, relative to him, जब उसकी रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होती है, उससे अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर फैक्टर डिक्रीज हो जाता है क्लॉक का स्पीड. द इफेक्ट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन. अब जैसे कल हमने लेंथ कॉन्ट्रेक्शन के तीन केस किए थे, वो जरूरी नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए है. केस वन, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूफ करो, किसी भी मतलब मेथड नहीं लिखा होता कि कोई मटेरियल बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं चल सकता, तो आप वो टाइम डायलेशन से कर सकते हो, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन से कर सकते हो, वेरिएशन ऑफ मास से कर सकते हो. उसका जो थर्ड केस होता है वो यही चीज प्रूफ करता है कि नो मटेरियल बॉडी कैन मूव इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना. तो किसी से भी कर सकते हो, तो ये इसीलिए करा रहे हैं, अदरवाइज ऐसे कुछ जरूरी नहीं है. ये भी करा रही हूं. V is very very less than C. Hello, ma'am. आंशी बोलिए. ये बोल रहा था कि मतलब ये अपीयर होता हुआ ना, ये अपीयर होता है ना, कम होता हुआ, फिर कम हो जाता है. कम हो जाता है, बिल्कुल. अगर इस स्पीड से चलेगा तो कम हो जाएगा. ये रियल इफेक्ट है. क्वेश्चन भी पूछा गया इसमें, आगे पूछा नहीं है कि रियल इफेक्ट है क्या, ये एक्चुअल में होता है. तो ये एक्चुअल में होता है. एक एग्जाम्पल एक्चुअल वाला मैं आपको कराऊंगी. उसके अलावा जो जीपीएस सिस्टम में क्लॉक्स होती हैं, वहां पर भी बार बार आपको टाइम करेक्ट करना पड़ता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो स्लो हो जाती हैं, तो उनमें टाइम फिर एरर हो जाती है, तो उनको करेक्ट करते रहना पड़ता है, है ना. तो ये ठीक है, इफेक्ट मतलब ये रियल इफेक्ट है. मैम ये स्लो इस वजह से होती है क्योंकि ये मतलब टाइम डायलेशन वाला इसमें मेन वजह होती है, ये जो हम लोग का अर्थ पे इधर उधर पोजीशन चेंज होता है उसकी वजह से चेंज होता है, कुछ ऐसा. यही कहा गया है कि टाइम डायलेशन की वजह से ही होता है. अच्छा ठीक है, चलिए. पहला केस है वी इज वेरी वेरी लेस देन सी, दूसरा केस है वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी, और लास्ट है v is equal to and greater than c. तो पहले केस में when v is very very less than c होगा, तो उस केस में v square upon c square को हम neglect कर सकते हैं, less than one होता है, तो उस केस में delta t equal to delta t not होता है, जो कि हमारा real life में जो हम करते हैं वही होता है, क्योंकि कोई भी object light की velocity से move नहीं करता, ना उसकी comparable velocity से, जो हम generalize observe कर सकते हैं. ठीक है, तो उस हम नॉर्मली डेल्टा टी और डेल्टा टी नॉट को इक्वल लेके चलते हैं. तो हम लिखेंगे द टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाय मूविंग क्लॉक इज सेम एज टाइम व्हेन इट इज रेस्ट. दोनों में जो टाइम इंटरवल है मूविंग क्लॉक में और रेस्ट में वो सेम है. दूसरा केस है व्हेन वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी, तो इस केस में क्या होगा कि अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी, तो डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी नॉट हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं जो इवेंट है मूविंग क्लॉक से अगर हम नोट कर रहे हैं, तो वो टाइम इंटरवल इंक्रीज होके दिखता है रेस्ट वाली क्लॉक से. तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स रिकॉर्डेड बाय मूविंग क्लॉक अपीयर टू बी ग्रेटर देन द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेम इवेंट रिकॉर्डेड बाय अ क्लॉक व्हेन इट इज रेस्ट. और लास्ट केस है व्हेन वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो उस केस में v square upon c square या तो 1 से बड़ा होगा या 1 होगा, तो उस केस में under root 1 minus v square upon c square की वैल्यू या तो 0 होगी या इमेजिनरी होगी, है ना. और अगर ये वैल्यू 0 हुई तो डेल्टा t इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये इमेजिनरी है तो ये इमेजिनरी हो जाएगा. टाइम इंटरवल
इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है कि इवेंट स्टार्ट तो हुआ बट उसका एंड जो था वो हमने नोट नहीं हुआ, वो खत्म ही नहीं हो रहा इवेंट स्टार्ट होके, है ना। टाइम इंटरवल का मतलब, इनफाइनाइट होने का मतलब ये है, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई इवेंट स्टार्ट हुआ है और अगर एक फ्रेम में हम उसका एंड देख रहे हैं तो दूसरे फ्रेम में भी कभी ना कभी तो उसका एंड होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, और इमेजिनरी भी टाइम नहीं हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट नो मटेरियल बॉडी कैन हैव द वेलोसिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, या ये कह सकते हैं नो मटेरियल बॉडी कैन अटेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट और ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारा टाइम डायलेशन हो गया। अब क्वेश्चन है कि ये रियल इफेक्ट है कि नहीं है, तो इस पे एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तो हम कर रहे हैं, और मैंने जीपीएस सिस्टम का आपको नाम भी बोला है, तो जीपीएस सिस्टम में भी जो क्लॉक होती है उनको हम करेक्ट करते रहते हैं, तो वो भी सैटेलाइट्स में, तो वो भी इसी का एग्जांपल है टाइम डायलेशन का। मैम जो सेकंड केस में ना वो टी नॉट ग्रेटर देन होगा, मैम टी नॉट बड़ा हो जाएगा ना मैम, जब 1 अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा। अच्छा चलिए, जैसे हम नहीं, अब मैं तुम्हें ये भी क्लियर कर देती हूँ, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैं कहूँ कि डेल्टा टी नॉट की जो वैल्यू है वो 100 है, तो डेल्टा टी अगर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 0.1 है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 10 होगा कि 1000 होगा, 1000 होगा। समझ रहे हो, जब किसी लेस 1 से लेस देन क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस क्वांटिटी को डिक्रीज कर देता है, जब लेस देन 1 क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी को लेस देन 1 क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो उस क्वांटिटी को और बढ़ा देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए फिर अब लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा हेडिंग मतलब इसी का पार्ट है, आप हेडिंग डाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या इस टाइम डायलेशन इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, तो आंसर है यस। और यस क्या है, अब ध्यान से सुनिए, जो सन से कॉस्मिक रेज आती हैं उन कॉस्मिक रेज के अंदर एक म्यू मेसॉन नाम का पार्टिकल होता है, म्यू मेसॉन नाम का पार्टिकल। जब अर्थ से 10 किलोमीटर हाइट पर कॉस्मिक रेज होती हैं तो उसमें से म्यू मेसॉन जो है प्रोड्यूस हो जाता है, या कह लीजिए अलग हो जाता है कॉस्मिक रेज से। म्यू मेसॉन पार्टिकल की जो लाइट वेलोसिटी तो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगा क्योंकि कॉस्मिक रेज का ही पार्टिकल है, तो 2.994 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी जो लाइफ टाइम है वो 2 × 10⁻⁶ सेकेंड है। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि म्यूजॉन जब कॉस्मिक रेज से अलग हो गया तो उसके बाद 2 × 10⁻⁶ सेकेंड बाद म्यूमिजॉन फिर से डिके हो जाता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। म्यूमिजॉन किससे आया, कॉस्मिक रेज से प्रोड्यूस हुआ, और म्यूमिजॉन भी 2 × 10⁻⁶ सेकेंड बाद डिके हो जाता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय म्यूमिजॉन, डी कितना ट्रेवल करेगा, डी होता है वी इनटू टी, मुझे कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, जो सामने कितना 9.9 × 10⁻², अरे कैलकुलेशन सही करेंगे, दोबारा करिए। 598.8, हाँ 500 समथिंग आएगा, 598 आ रहा है तो 598.8। ठीक है, इसने जो बताया मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बाकी जिन्हें भी चेक करिए कि बाकी स्टूडेंट्स की ये आ रहा है कि आपका नहीं आ रहा है। 99 मीटर होगा ये, सबका यही आ रहा है। हाँ मैं नहीं आ रहा है, उसने बस मैंने पॉइंट कॉल कर दिया, 10 की पावर नहीं आएगा भाई, कट जाएगा इसको मीटर, और जब करोगे तो कट जाएगा। देखो वैसे भी इसको सीधा सीधा देखो ना, यहाँ से इसको 10⁻⁶ से 10⁻² तो यहाँ बचेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 3 है, मैं इसे 3 मान लेती हूँ फिलहाल, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 10⁻² तो 600 हो गया ना, सीधा सीधा सामने ऐसे दिख रहा है। अब 2.994 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 598
आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 600 मीटर आ गया। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है। पहले जो लिखा है वो पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद समझिएगा। द म्यू म्यूजॉन आर प्रोड्यूस बाय फास्ट मूविंग कॉस्मिक रे पार्टिकल एट द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड रीच इन द लार्ज नंबर ऑफ अर्थ सर्फेस। द स्पीड ऑफ म्यू म्यूजॉन इज वेरी हाई, अबाउट 2.994 × 10⁻¹ मीटर/सेकंड। The average lifetime of mu meson is 2 × 10⁻⁶ seconds. Then the distance traveled by mu meson is 600 approximately. तो मतलब 600 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थ से 10 किलोमीटर अबव हाइट पे mu meson था, 600 मीटर और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो अर्थ से कितना ऊपर होगा जब इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ? 9.4 किलोमीटर। यस मैम, यस मैम। तो यानी कि 9.4 किलोमीटर बाद हमें म्यू म्यूजॉन नहीं मिलना चाहिए, बट जब डिटेक्टर्स हम लगाते हैं अर्थ सरफेस पे, म्यू म्यूजॉन जो है अर्थ सरफेस पे कलेक्ट होते हैं, मिलते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो पार्टिकल को अर्थ से 9.4 किलोमीटर अबव खत्म हो जाना चाहिए था, वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जा रहे हैं? और तो एक आध नहीं पहुंच रहा है, लिखा है रीच इन लार्ज नंबर ऑन अर्थ सरफेस। This is possible because of the time dilation. अगर हम time dilation को consider करेंगे तभी हम mu meson को Earth surface पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि Earth से 9.4 किलोमीटर पे जो चीज end हो जानी चाहिए थी वो हमें Earth surface पे मिल रही है। तो ऐसा कैसे possible है? This is because of time dilation. अगर हम time dilation को consider करेंगे तो ही हम mu meson को Earth surface पे consider कर सकते हैं, observe कर सकते हैं। ठीक है, तो time dilation use किया, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। डेल्टा टी नॉट जो इसका लाइफ टाइम है, डेल्टा टी नॉट है 2 × 10⁻⁶ सेकेंड। ये वैल्यूज रखिए, v की वैल्यू रखिए, 3 नहीं रखनी है, अगर 3 रखोगे तो ये तो कट जाएगा, 2.994 ही रखना है। ठीक है, तो 2.994 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अप्रोच बिल्कुल इक्वल मत बना दीजिएगा, अपने उसके जो कैलकुलेटर है उसकी जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 to 5 डिजिट रखिएगा 10 की पावर में, है ना, अदरवाइज आपको आंसर नहीं आएगा। ये 1 से 1 माइनस करके 0 बना देगा इसको। तो डेल्टा टी जो है हमारा 3.33 × 10⁵ सेकेंड आएगा। ये कैलकुलेट करके देखिए इतना आता है कि नहीं आता है। इस टाइम को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करीब 9800 या 500 के अराउंड आता है, मतलब 10 किलोमीटर के अराउंड। तो अगर हम टाइम डायलेशन कंसोल, हम म्यू म्यूजॉन को अर्थ सरफेस पे डिटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये अर्थ सरफेस पे कैसे मिल गया।